नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख बढ़ने की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सहारनपुर में दशहरे के मौके पर राम में नजर आए सांसद इमरान मसूद। आपको बता दें कि कट्टर जुबान बोलने वाले इमरान मसूद के सुर बदलते हुए नजर आए हैं। कहा कि जितने तुम्हारे राम है उतने ही मेरे भी है, हम भी राम के तुम भी राम के, हमसे नफरत क्यों करते हो। इमरान मसूद अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है राम को लेकर। उन्होंने ये बयान दिया, सबसे बड़ी बात यही है कि एक मुस्लिम नेता जिन्होंने राम को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। ये देश राम का है, इसके कणकण में राम है। तो इमरान मसूद एक बार फिर से सुर्खियों में। इमरान मसूद ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, जिन्होंने कई बड़े मंच से उकसाने का काम किया। ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था एक बड़े मंच से कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो तुम्हारा भी सफाया होगा, मेरा भी सफाया होगा। आज का ये त्यौहार असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक, प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक, आत्मसात करने का, प्रण लेने का दिन है कि उनके आदर्शों को आप अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि उन्होंने हर रिश्ते को, पिता से पुत्र के रिश्ते को, भाई से भाई के रिश्ते को, पति से पत्नी के रिश्ते को और समाज से राजा के रिश्ते को एक नई तरीके से परिभाषित करने का काम किया हो। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाओं में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, राम मिलेंगे आपको अपने मन में। आज का ये त्यौहार असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक। तो इमरान मसूद अक्सर अपने कट्टरपंथी भाषा को लेकर जाने जाते हैं। बोटी बोटी से रोजी रोटी तक उन्होंने कई ऐसे बड़े और विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर अक्सर वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी उस वक्त भी इन्होंने राम को लेकर बयान दिया था, जिसमें इमरान मसूद ने कहा था कि राम हम सबके हैं और इमरान मसूद कहते थे कि यहाँ पर राम आराध्य है और हम सब राम के वंशज है। और ऐसे में पहली बार किसी मुस्लिम नेता की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया था। और अक्सर हम देखते कि कांग्रेस जो है नकारती रहती है, और ऐसे में इमरान मसूद का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है।